पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान हल्दी के घरेलू बाज़ार भाव में करीब 80 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है जबकि आगामी महीनों के दौरान इसमें कुछ और वृद्धि होने की उम्मीद है व्यापार जानकारों के अनुसार बिजाई क्षेत्र में आई कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं कीड़ों रोगों के प्रकोप से फ़सल को हुई क्षति को देखते हुए हल्दी के उत्पादन में कम से कम बीस की गिरावट आने का अनुमान है जानकारों के अनुसार उत्पादन में गिरावट आने की आशंका से व्यापारियों बटा स्टॉकिस्टों एवं निर्यातकों द्वारा हल्दी की खरीद में भारी दिलचस्पी दिखाई जा रही है और आगे भी इसका स्टॉक बनाने का प्रयास जारी रह सकता है जिससे कीमतों को मजबूत समर्थन मिलेगा कुछ उत्साही व्यापारियों का तो यहाँ तक कहना है कि पिछले साल को स्थिति जीरा बाज़ार की रही वही हालत इस बार हल्दी बाज़ार की हो सकती है वर्ष 2023 के दौरान हल्दी के वायदा मूल्य में 70 प्रतिशत से अधिक का ज़ोरदार इज़ाफ़ा दर्ज किया गया क्योंकि एक तो उत्पादन में गिरावट की संभावना बनी रही और दूसरे इसका निर्यात प्रदर्शन शानदार रहा इरोड मंडी में इसकी गत वर्ष के मुकाबले पैंसठ से 70 प्रतिशत तथा निज़ामाबाद में 75 से 80 प्रतिशत होने की संभावना है इरोड़ कृषि उत्पाद विपणन समिति एपीएमसी के परिसर में हल्दी का मॉडल मूल्य फ़िलहाल फ़िंगर वैरायटी के लिए उछलकर ग्यारह हज़ार पाँच सौ चार रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है जो पिछले साल की समान अवधि में छह हज़ार तीन सौ चौरासी रुपये प्रति क्विंटल रहा था उधर तेलंगाना की निज़ामाबाद मंडी में पालिशदार हल्दी का भाव उछलकर तेरह हज़ार नौ सौ तैंतालीस रुपये प्रति क्विंटल तथा कॉमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए वायदा मूल्य बढ़कर पन्द्रह हज़ार पाँच सौ चालीस रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है इरोड टर्मरिक मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अभी केवल वायदा में ही हल्दी का भाव पंद्रह हज़ार रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंचा है जबकि हाजिर बाज़ार में यह बारह हज़ार पांच सौ रुपये से लेकर चौदह हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है फसल इस बार कमज़ोर है कॉमोडिटी बाज़ार में हल्दी का वायदा मूल्य अगस्त 2023 में सोलह हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, 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 था। महाराष्ट्र के सांगली क्षेत्र में हल्दी का भाव गत वर्ष की तुलना में इस बार दो गुना ऊंचा चल रहा है राज्य में इस वर्ष हल्दी का उत्पादन 25 से 30 प्रतिशत घटने की संभावना है जिसे देखते हुए इसके दाम में आगे दो हज़ार प्रति क्विंटल का और इजाफा हो सकता है 2022 से 23 के मुकाबले 2023 से 24 के खरीफ सीजन के दौरान हल्दी के बिजाई क्षेत्र में महाराष्ट्र में 10 से 20 प्रतिशत तमिलनाडु में 10 से 15 प्रतिशत एवं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 18 से 22 प्रतिशत की गिरावट आने की सूचना है इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर हल्दी का उत्पादन गत वर्ष के 5.26 लाख टन से 15.40 शून्य प्रतिशत घटकर इस बार 4.45 लाख टन के करीब सिमट सकता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी